नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम फिर बॉलीवुड या बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे। आपने बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान का नाम तो सुना होगा। तीन खान हैं मशहूर, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान। आमिर खान की के वैसे तो पहली बीवी से दो बच्चे हैं, एक बेटी इरा खान और एक बेटा जुनैद खान। उसकी जो बेटी है इरा खान, उसको मतलब पसंद आ गया उसका जिम ट्रेनर, वो मराठी मानुस है, उसका नाम है नूपुर शिखरे। तो चंद महीने केवल दोनों की मंगनी हुई थी और कल उनकी सिविल मैरिज एक्ट के तहत शादी हो गई। अब क्योंकि दूल्हा सांता क्रूज में रहता है, दुल्हन बांद्रा में रहती है, तो बांद्रा के एक होटल में ये फंक्शन मुनक्किद किया गया, यानी रजिस्ट्रार को बुलवाया गया और सिविल मैरिज हुई, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अलग बात है कि खुद जो दुल्हन है इरा खान, उसकी माँ हिंदू है और बाप मुसलमान है। और जिस तरह इरा खान ने नूपुर शिखरे के साथ शादी की है, तो उसके बाप ने भी जो दो शादियाँ की हैं, दोनों उसकी बीवियाँ हिंदू थीं। ये अलग बात है कि वो उन दोनों को तलाक दे चुका है। पहली बीवी रीना दत्ता, जिसमें से ये बेटा बेटी इरा खान थी और बेटा है जुनैद खान। दूसरी बीवी उसकी किरण राव, जिसमें से उसे एक बेटा है आज़ाद राव खान जो कहलाता है, छोटा है वो तो अभी। तो कल इनकी जो रजिस्ट्रेशन हुई मैरिज की, वो बांद्रा के एक होटल में हुई। और क्योंकि दूल्हा जो है वो एक फिटनेस ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है, तो वो चड्डी और बनियान में बारात के साथ साता गुरु से निकला और दौड़ता हुआ, लिटरली दौड़ता हुआ बांद्रा के उस होटल तक आया। ये अलग बात है कि वहाँ पहुँचने के बाद फिर उसने कपड़े तब्दील किए और ब्लू रंग की शेरवानी पहनी, और फिर बाद में सब लोग अंदर इकट्ठे हुए, उनकी शादी की रजिस्ट्रेशन हो गई। इस शादी में कल तो बहुत जो नज़दीक वाले थे, फैमिली मेंबर्स कह सकते हैं, आमिर खान का भाव फैसल खान भाई जो है, या लड़की की माँ, लड़के की माँ बाप, लड़के का जी माँ प्रीतम शिखरे, और आमिर खान की दोनों बीवियाँ, एक तो दुल्हन की माँ रीना दत्ता और दूसरी बीवी किरण राव, वो भी शरीक हुई। और आमिर खान का जो दोनों बेटे हैं, जुनैद खान पहली बीवी से और आज़ाद खान दूसरी बीवी से, वो दोनों भी इस शादी में शरीक हुए। वहाँ पर अभी क्या है कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई है 4 तारीख को। अब ये लोग आज चले गए उदयपुर, जैसे हिंदुस्तान में आजकल रिवाज हो गया है, ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं तो कहीं ना कहीं किसी एग्जोटिक प्लेस पे चले जाते हैं, सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, फिर वहीं पे फंक्शन होते हैं, 2-3 दिन वहीं गुजारते हैं। तो अभी ये लोग उदयपुर गए हैं, कल से वहाँ पर फंक्शन शुरू होंगे, 6-7-8 तीन दिन के लिए ये फंक्शन चलेंगे, मेहंदी होगी, संगीत होगा और जो कुछ उनको करना होगा, और इसमें बहुत नज़दीकी वो भी शरीक होते हैं। खैर मतलब कल तो एकदम घर के लोग थे, अभी इस शादी मतलब जो डेस्टिनेशन वेडिंग है उसमें कुछ ज़्यादा लोग होंगे। और फिर वो लोग जब वहाँ से वापस आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो दोनों के मतलब दुल्हन वालों के और दूल्हा वालों के जो भी अकरबा हैं, नज़दीकी दोस्त लोग या बिजनेस पार्टनर्स वगैरह जो हैं, उनको दावत दी जाएगी, एक बहुत बड़ा रिसेप्शन होगा और वो 13 जनवरी को मुंबई में मुनक्किद होगा। हम अपनी तरफ से दूल्हा
नूपुर शिखरे दुल्हन, इरा खान दुल्हन के वालिद, आमिर खान उनकी वालदा रीना दत्ता, सबको हार्टिली मुबारकबाद पेश करते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।